हाँ भाई, कैसा है यार तू? क्या बोला तूने? भाई आज तो तू बड़ा इज्जत दे रहा है, आज नहीं उड़ाना तुझे हमारा मजाक। अरे यार भाई की बात का बुरा मान गया, भाई की बात का, भाइयों में तो इतना चलता है यार। हाँ, एक हफ्ते पहले यही भाई तेरा वाला था। अरे यार मजाक में बोला था यार, दोस्तों में तो गाली चलती है यार, दिल में क्यों ले लेता है। अच्छा ठीक है मान गया, चलिए बता काम क्या है। अरे नहीं नहीं ऐसा कोई काम नहीं था, वो बस तेरे पास कैलकुलेटर होगा क्या? अबे भाई तुझे क्या लगता है हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा? हाँ तो सही है यार, बस आते टाइम वो लेते आइयो, लगता है इस बार हमें भी जरूरत पड़ेगी। देखो यार कल का मैच जीता भले पंजाब किंग्स टीम ने है, पर सुनने में ये आ रहा है कि आरसीबी और एमआई वाले उनसे ज्यादा खुश थे। मतलब रोहित भाई भी माही भाई से कह ही रहे हैं कि अरे माही भाई काहे परेशान होते हो, जल्दी से आ जाओ विराट के साथ चल के बढ़िया पार्टी करते हैं। क्या फालतू आईपीएल टेबल में लगे हुए हो? हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। देखो यार आपको पता है कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं आपदा में भी अवसर ढूंढता हूँ, तो कल सीएसके के लिए मैंने पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश की और एक ही पॉजिटिव मुझे नजर आया है कि एटलीस्ट लोग हमें ये नहीं कह सकते कि हम होम बुली हैं, यानी कि घर पे मैचेस जीतते हैं और उसी की वजह से डोमिनेट करते हैं, क्योंकि अब हम वहां भी नहीं जीत रहे। ये सब क्या हो गया आदि, इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? और यार रही बात पंजाब की, तो मुझे समझ ही नहीं आता हमने इनकी कौन सी ऐसी संपत्ति चुराई है जो ये सारा बदला हमसे निकालते हैं। मतलब लास्ट 5 मुकाबलों में 5 बार इन्होंने सीएसके को हराया है, क्यों? सुकून का नाम सुना है भाई? हमने तो आपसे कुछ लिया भी नहीं है, उल्टा आपने हमारे सैम करन को ही लेकर उसी को कप्तान बना के हमें ही पेल दिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बात करते हैं यार मैच के बारे में, और दोनों ही टीमों में हमें काफी तगड़ी फाइट देखने को मिली टॉस तक। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, क्योंकि टॉस देखने के बाद और सीएसके की प्लेइंग 11 देखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ था कि हो गया सीएसके का बेड़ा गर्क। ठीक है भाई मैं चलता हूं। ओके बाय। मैच की शुरुआत होती है और सीएसके का बैटिंग एफर्ट उतना ही तगड़ा था जितना वर्ल्ड कप में खेलने वाले खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। देखो यार रहाणे भाई के सिलेक्शन पर मैं इसलिए सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत की है, पर उस हिसाब से तो यार सैंडलर भाई की भी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। ये सब दोगलापन है। एनीवे सीएसके का बैटिंग ऑर्डर देखकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि आज इनका खेलने का मन नहीं है, इन्हें जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन मेरे लिए फर्स्ट इनिंग में जो सबसे फेवरेट मोमेंट था ना, वो था डैरिल मिशेल का ये डबल रन। क्या मतलब है एक भी रन नहीं हुआ? कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओह मिशेल भाई, रन भागने के लिए ना दोनों को भागना पड़ता है, एक के भागने से नहीं होता है। लेकिन देखो यार जैसा मैंने आपको बताया कि मैं हर चीज में पॉजिटिव ढूंढता हूँ, फर्स्ट इनिंग में सीएसके के लिए खासा पॉजिटिव्स भले न रहे हों, लेकिन टीम इंडिया के लिए इस साल के वर्ल्ड कप में बहुत पॉजिटिव नजर आए। अरे हाँ भाई, अर्शदीप ने अर्धशतक मार दिया और दुबे ने बहुत कम रन बनाए, इसका उल्टा होना चाहिए क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नहीं नहीं बीसीसीआई और ले जाओ अपने फिक्स कोटा के प्लेयर्स, वो तो कल अर्शदीप भी कह रहा था कि टेंशन मत लो रोहित भाई, वर्ल्ड कप तो अपन जरूर जीतेंगे। एनीवे यार रन्स तो वैसे भी काफी कम थे, तो पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने भी बोला कि भाई थोड़ा सा बात कम करते हैं, मारधाड़ शुरू कर लेते हैं। तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? और इसी मारधाड़ के बीच दीपक चहर ने अपना मास्टर प्लान निकाला। उन्होंने कहा आज टूटना तो वैसे भी है, चाहे ग्राउंड के अंदर टूटा जाए या फिर बाहर, तो फिर चोट का बहाना लेकर एक बार चलते हैं। You were chalak bro. मतलब इस दुनिया में सब कुछ टेंपरेरी है, पर दीपक चहर का एक आईपीएल सीजन में 4 बार इंजर्ड होना परमानेंट है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन गलती से उदय भाई के लिए। एनीवे इसके बाद तो सारी चीजें फॉर्मेलिटी ही थी, एक तरफा मुकाबला पंजाब किंग्स टीम ने जीत लिया और मेरी जिंटू मैम को खुश कर दिया। मैं बस इसी चीज के लिए खुश हूँ कि जिंटू मैम फाइनली घर से तो जरूर स्माइल कर रही हैं। अच्छा उन्होंने भी अब ग्राउंड आना बंद कर दिया, कह रही हैं कि ग्राउंड नहीं आ रही हो तो ये मैच जीत रहे हैं, तो जाने की क्या ही जरूरत है, जीतो जीतो सही है, सही खेल गए। और सीएसके फैंस को मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से आपके खिलाड़ी चोटिल हैं, आउट ऑफ फॉर्म हैं और इनफैक्ट कुछ खिलाड़ी अनअवेलेबल हो रहे हैं, मैं तो यही कहता हूं कि लगे हाथ कैलकुलेटर चलाना सीख लो, काम आएगा आपके। बाकी यार मौज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो मौज देते लेते और करते रहो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं बहुत जल्द।